हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पार्ट 5 को, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसके पहले पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके मीनिंग्स को और इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, किड्स वाइस ब्रेनर को सब्सक्राइब कर लें। चलो आइए सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे चैप्टर की। बच्चों, आपके विद्यालय में 2 अक्टूबर को दो महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है, एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय तत्कालीन बनारसी वर्तमान चंदौली के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने, उसके बाद उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद ये सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने वाले महान लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यवहारिक एवं संतुलित था। वे जो कहते थे उसे पहले स्वयं करते थे। इसका उल्लेख उनके जीवन की कई घटनाओं में मिलता है। आइए उनमें से कुछ प्रसंगों के बारे में जानें। तो पहला प्रसंग 1 है, शास्त्री जी उन दिनों रेल मंत्री थे। एक बार उन्हें बनारस के पास सेवापुरी जाना पड़ा। छोटे कद का होने के कारण शास्त्री जी को गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरने में काफी दिक्कत हुई। यह देखकर वहां खड़ी कुछ औरतें हंसकर कहने लगी कि अब महसूस हो रहा होगा कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म पर उतरते समय कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही शास्त्री जी ने स्टेशन मास्टर को बुलाया और उनसे कहा कि क्या वे एक फावड़े का इंतजाम कर सकते हैं। फावड़ा तुरंत लाया गया। शास्त्री जी ने फावड़ा लेकर उस नीचे प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर जमीन खोदनी शुरू कर दी और मिट्टी प्लेटफॉर्म पर डालने लगे। ये देखकर वहां जो लोग खड़े थे वे भी फावड़ा और उसी तरह की चीजें ले आए और शास्त्री जी का अनुसरण करने लगे। सभी को तब सुखद आश्चर्य हुआ जब 3 घंटों के अंदर वह नीचा प्लेटफॉर्म मानक स्तर तक ऊंचा बन गया। दूसरा प्रसंग है, यह भी प्रसंग उस समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी काम से इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी दूर ही दूरी थी कि लाइनमैन ने फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़कर गया और उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री हैं और कौन प्रधानमंत्री, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी फाटक खोल दूंगा। स्टाफ के अफसर ने लौटकर कहा, श्रीमान वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए। प्रसंग 3 है, यह प्रसंग उन दिनों का है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक बार उनका ड्राइवर सुबह निश्चित समय पर नहीं आया। उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की, फिर हाथ में फाइल लेकर पैदल ही दफ्तर की ओर चल दिए। उनका दफ्तर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। इस बात से सचिवालय में हड़कंप मच गया। ड्राइवर से जवाब तलब किया गया। जवाब में उसने कहा कि एकाएक उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया था और उसे भागकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शिकायती फाइल जब शास्त्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी कि उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसंग 4 है इनके जीवन का, बड़े ही प्यारे और इंटरेस्टिंग है ये हमारे शास्त्री जी। ये घटना उस समय की है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक दिन खाने की मेज पर परिवार के सभी सदस्य बहुत गंभीर थे
और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे थे। जब शास्त्री जी ने इस बारे में पूछा तो भी चुप रहे। उनके जोर देने पर उनके बेटे ने कहा, बाबू जी आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। शास्त्री जी ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इसे ध्यान में रखे तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय के अनुपात की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। लास्ट प्रसंग है इस चैप्टर का, प्रसंग 5। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद एक विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई महिलाएं कर रही थी। अनेक महिलाएं अपनी गोद में बच्चे लिए हुए थी। प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंचकर उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। तेज गर्मी के कारण प्रदर्शन करने वाले पसीना पसीना हो रहे थे। एकाएक शास्त्री जी उठ खड़े हुए। उन्होंने एक ट्रे उठाई, उसमें गिलास रखे और वाटर कूलर के पास जाकर एक एक करके उनमें पानी भरा। इसके बाद वे हाथ में ट्रे लेकर फाटक की ओर चल दिए। सुरक्षा वालों ने मदद देने को कहा लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वे सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी के पास पहुंचे। महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह महिला को डांटते हुए कहा, तुम इस छोटे बच्चे की माँ हो, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह बच्चा प्यासा है इसलिए रो रहा है। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और ट्रे माँ के हाथ में पकड़ा दी। फिर एक गिलास उठाया और बच्चे को पानी पिलाने लगे। महिलाओं ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में भीड़ हटने लगी और लोगों का यह बिल्कुल याद न रहा कि वे यहाँ वहाँ किस उद्देश्य से आए थे। जब सिर्फ 4-5 आदमी बच गए तब शास्त्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अंदर चलें और इस संबंध में बातचीत करें। अब इसके हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। प्राचीर दीवार होती है, प्रतिष्ठा सम्मान, निधन मृत्यु, लक्ष्य उद्देश्य होता है, पुस्तैनी पुरखों की, आर्थिक धन संबंधी, शब्द जड़ सन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं बच्चों। ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? उत्तर लिखेंगे, प्यारे बच्चों शास्त्री जी ने लिखा, उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? उत्तर लिखेंगे, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की इसलिए कर दी क्योंकि लाइनमैन ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया। क्वेश्चन नंबर पहले का गा है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे? इसका उत्तर है, शास्त्री जी के दयालु स्वभाव को देखकर प्रदर्शनकारी विरोध की जगह गुणगान करने लगे। घा है, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर लिखेंगे, इस पाठ से यह पता चलता है कि शास्त्री जी एक योग्य प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के साथ साथ कुशल राजनेता, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा संतुलित व्यवहार वाले व्यक्ति थे। सोच विचार बताइए, यदि आप लाइनमैन होते और रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री फिर फाटक के समीप आ गए होते तो क्या करते? उत्तर है, तो मैं भी वही करता जो उस लाइनमैन ने किया था। दूसरे का खा है, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा, क्यों? मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का सबसे अच्छा प्रसंग वह लगता है जिसमें जब वो रेल मंत्री थे और फाटक से गुजर रहे थे तब लाइनमैन ने फाटक खोलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी शास्त्री जी ने उसकी तरक्की कर दी थी। इस घटना से उनके सच्चे कर्तव्यनिष्ठ होने का पता चलता है। गा है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे, इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे, इससे उनके दयालु हृदय और कर्तव्यनिष्ठ होने का पता चलता है।
घा है, यदि आपको अपने गांव मोहल्ले का प्रधान या सभासद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? उत्तर लिखेंगे तो मैं भी वही करूंगा जो किसी भी एक सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ सभासद या फिर मोहल्ले के प्रधान को करना चाहिए। अब है भाषा के रंग। नीचे प्रत्येक पंक्ति में दो दो शब्द दिए गए हैं। नीचे प्रत्येक व्यक्ति में दो शब्द दिए गए हैं। पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि ये शब्द समानार्थक हैं तो सा पर घेरा खींचो, यदि विलोम शब्द हैं तो बी पर घेरा खींचो। उदाहरण के अनुसार घेरा खींचकर बताओ। सुंदर का खूबसूरत तो समानार्थी हो गया, विजय का पराजय तो विलोम हो गया, यातना का पीड़ा तो समानार्थक हो गया, आरंभ का अंत तो विलोम हो गया, मृदुल का कटु तो विलोम हो गया, विश्वास का अविश्वास तो विलोम हो गया, पक्ष का विपक्ष तो विलोम हो गया, कठिनाई का मुश्किल तो समानार्थक हो गया। इस तरह आप भी कर लेंगे। भाषा के रंग। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। सुखद, आश्चर्य, सुरक्षा बल, स्वभाव, प्रदर्शन। तो बनाएंगे सुखद पे, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की सुखद कामना करता हूँ। आश्चर्य बनाएंगे, जब शास्त्री जी ने लाइन में इनका प्रमोशन कर दिया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुरक्षा बल पे बनाएंगे, मंत्री की सुरक्षा में और सुरक्षा बल लगाए गए। स्वभाव बनाएंगे, उसका स्वभाव बहुत ही मृदुल है। प्रदर्शन पे बनाएंगे, प्रदर्शन आज का कला प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। बनाएंगे दयालु पे, शास्त्री जी दयालु स्वभाव के थे। कोमल पे बनाएंगे, कोमल हृदय का व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा समझ सकता है। चतुर पे बनाएंगे, चतुर व्यक्ति जल्दी सिखंजे में नहीं आते। श्रेष्ठ बनाएंगे, श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति सदैव सफल होता है। अब और कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनारसी पे बनाएंगे, बनारसी साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। पांच पे बनाएंगे, द्रौपदी के पांच पुत्र थे। तो इस तरह हमने सारे बना लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर पांच वाक्य लिखिए, तुम्हारी कलम से है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, पहला लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी मुगल सराय बनारसी में पैदा हुए थे। दूसरा बनाएंगे, मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया। तीसरे बनाएंगे, इनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। यह सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। पांचवा है, भारत के स्वाधीन होने पर ये रेल मंत्री नियुक्त हुए। अब है तुम्हारी कलम से। नीचे चार दिशाओं के नाम हैं। आपके घर स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है? दिशा घर के पास, स्कूल के पास। पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है? प्यारे बच्चों, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि अब ये चीज़ तो आप ही को पता होगी। आपके घर के पूर्व में क्या है, आपके घर के पश्चिम में क्या है, आपके घर के उत्तर में क्या है, आपके घर के दक्षिण दिशा में क्या है। स्कूल के पास ही सेम आपको करना है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। अब करने की बारी। पता कीजिए कि इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे? तो लिखेंगे, महात्मा गांधी का था करो या मरो, जवाहरलाल नेहरू का था पूर्ण स्वराज्य, लोकमान्य तिलक का था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लाल बहादुर शास्त्री जी का था जय जवान जय किसान, सुभाष चंद्र बोस का है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरे दो प्रश्न पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो पहला बनाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वभाव कैसा था? दूसरा बनाएंगे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? इस कहानी से मैंने सीखा, मैं करूंगी या मैं करूंगा? तो लिखेंगे, मैं भी हमेशा इसने सभी के साथ इसने इसी तरह सरल स्वभाव का व्यक्ति बना रहूंगा। दूसरा करेंगे, मुश्किल समय आने पर भी कभी भी धैर्य नहीं खोऊंगा या खोऊंगी। ठीक है, इस सेंटेंस को थोड़ा सही कर लीजिए, गड़बड़ हो गया है। मैं भी हमेशा सरल स्वभाव का व्यक्ति रहूंगा, इतना आप कर लेना, ये बाकी का काट दो, तो सेंटेंस सही नहीं बन रहा ना। इतना आप कर लेना, मैं भी हमेशा सरल स्वभाव का व्यक्ति रहूंगा, यही सीखा मैंने इस कहानी से। आप लिख सकते हैं, मैं भी
शास्त्री जी की तरह एक कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त बनूंगा। ये भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं जो आपने इस चैप्टर से सीखा हो मेरे प्यारे बच्चों। जरूरी नहीं है कि आप इसी आंसर को लिखें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।